हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ दो बहुत इजी और बजट फ्रेंडली पेपर लैम्प शेड आइडिया शेयर करने वाली हूँ। विंटर्स आ चुके हैं और विंटर में अपने घर को वार्म और कोजी लुक एंड फील देने के लिए लैम्प्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस लैम्प शेड्स। फर्स्ट आई विल बी शोइंग हाउ आई मेड दिस टिश्यू पेपर लैम्प शेड। इसके लिए मैंने लिया है कुछ टिश्यू पेपर्स, एक पेपर कप, एक मार्कर, बलून, एक पुराना ब्रश, सीजर, डिकोपाज ग्लू एंड डिकोपाज पेपर्स। सबसे पहले मैंने बलून को ब्लो कर लिया है और उसे एक जगह पे सीधे रखने के लिए मैंने नीचे एक ग्लास का यूज़ किया है। अब मैं पेपर कप को बलून के टॉप सेंटर पे टेप की हेल्प से स्टिक कर दूंगी। अब हमारे लैम्प शेड का एज डिफाइन करने के लिए मैं बलून के सेंटर पे इस तरीके से मार्कर की हेल्प से मार्क कर रही हूँ। डिकोपाज ग्लू के हेल्प से मैंने जहाँ से मार्क किया था वहाँ से स्टार्ट करते हुए टिश्यू पेपर को स्ट्रक्चर के अराउंड स्टिक करते जाना है। इस प्रोसेस को करते वक्त आप ब्रश को थोड़ा जेंटली यूज करें क्योंकि टिश्यू पेपर बहुत ईजिली फट सकता है। इसी तरीके से पूरे स्ट्रक्चर के अराउंड मैंने टिश्यू पेपर के दो लेयर्स को स्टिक कर लिया है। टिश्यू पेपर का लेयर ड्राई हो जाने के बाद मैं इसके ऊपर जेसो का एक लेयर अप्लाई कर रही हूँ। जेसो अप्लाई करने से हमारे स्ट्रक्चर को थोड़ा स्ट्रेंथ भी मिलेगा और इसका कलर भी काफ़ी अच्छे से डिफाइन होगा। आप चाहें तो किसी डिफरेंट कलर का जेसो भी अप्लाई कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। जेसो का लेयर ड्राई हो जाने के बाद मैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर डीकोपाज करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने इस नैपकिन पेपर को चूज किया है। सिंस इस नैपकिन्स में डिज़ाइन काफ़ी बड़े बड़े हैं और हमारा स्ट्रक्चर कर्व्ड है तो रिंकल्स को अवॉइड करने के लिए मैं इस डिज़ाइन को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। डीकोपाज ग्लू की हेल्प से मैं इस डिज़ाइन को स्ट्रक्चर के ऊपर स्टिक कर दूंगी। मुझे ये डिज़ाइंस अभी भी काफ़ी बड़े लग रहे थे, स्ट्रक्चर के ऊपर लगाने पे रिंकल्स आ रहे थे, इसलिए मैं इन्हें थोड़े और छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। बी वेरी जेनरस वाइल अप्लाइंग डीकोपाज ग्लू क्योंकि ये भी हमारे स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देने में काफ़ी हेल्प करेंगे। सो नैपकिन को स्टिक करने से पहले और स्टिक करने के बाद भी आप जेनरस अमाउंट में डीकोपाज ग्लू को अप्लाई करें। इस तरीके से पूरे स्ट्रक्चर के अराउंड मैंने डीकोपाज नैपकिन को स्टिक कर लिया है। जो टॉप वाला पार्ट है उसके लिए मैंने एक डिफरेंट नैपकिन से इस डिज़ाइन को कट करके स्टिक किया है जो कि मेरे बेस वाले डिज़ाइन से काफ़ी मैच कर रहा था। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से ड्राई हो जाने के बाद हमें बलून को बस्ट कर लेना और हमारा लैम्प शेड बनकर तैयार है। तो ये जो पेपर कप है मैं इसे यहाँ से रिमूव नहीं कर रही हूँ क्योंकि इस पार्ट पे हम या तो टॉप से या तो साइड से बल्ब का होल्डर फिट करेंगे तो ये उसे थोड़ा स्ट्रेंथ देगा। एंड हियर इज द फाइनल व्यू। नेक्स्ट है ये बहुत ही इजी ओरिगामी लैम्प शेड। इसके लिए मैंने इस टाइप के हैंडमेड पेपर का यूज़ किया है। ये आपको किसी भी क्राफ्ट शॉप में इजीली मिल जाएगा विद इन 100 रुपीज़। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था तो ऑनलाइन प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके साथ मैंने कुछ और बेसिक क्राफ्टिंग टूल्स यूज़ किए हैं। आप चाहें तो किसी डिफरेंट टाइप के थिक पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने इस पेपर को लेंथ वाइज सेंटर से दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर लिया है इस तरीके से। अब हमें इस पेपर पे इक्वल डिस्टेंसेस पे पैरेलल फोल्डिंग मार्क्स बनाने हैं तो मैं इस तरीके से सेंटर से स्टार्ट करते हुए इसे इक्वल डिस्टेंस पे इस तरीके से फोल्ड करते जा रही हूँ। दिस वॉज द ईजिएस्ट वे आई फाउंड। या फिर आप
स्केल और पेंसिल की हेल्प से इक्वल डिस्टेंसेस पे मार्क करके पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके वहाँ से भी फोल्डिंग्स कर सकते हैं। मैं यहाँ मैंने जो प्रीवियस मार्क्स बनाए थे उनका ही यूज़ करके इक्वल डिस्टेंस पे पैरेलल मार्क्स इस तरीके से इजीली क्रिएट कर रही हूँ। अब हमें इन मार्क्स पे पेपर को ज़िगज़ैग वे में इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। अब हमें इस पेपर को लेंथ वाइज एग्जैक्टली सेंटर से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब इस फोल्डेड पेपर को अगेन हमें ज़िगज़ैग वे में फोल्ड करना है। अब ये जो टॉप का पार्ट है जहाँ से हमने पेपर को सेंटर से इक्वल हाफ में फोल्ड किया था, वहाँ से एक एक प्लीट्स को लेकर के अंदर की तरफ इस तरीके से डायगोनली फोल्डिंग मार्क्स क्रिएट करने हैं। एंड यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ ट्रायंगुलर मार्क्स व्हेन यू ओपन द पेपर। अब जो पेपर है उसे पूरा ओपन करके जो ट्रायंगुलर मार्क्स हैं उन्हें अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से एक शेप क्रिएट करना है। तो सारे जो फोल्ड्स थे उन्हें क्रिएट कर लेने के बाद ये पेपर कुछ इस तरीके से एल शेप का दिखेगा। तो मैंने जो दूसरा पार्ट था पेपर का उसे भी सेम तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब मैं इन दोनों पार्ट्स को स्टेपलर की हेल्प से आपस में स्टिक कर लूंगी। नाउ जो लॉन्गर पार्ट है उसके सारे प्लीट्स पे एक पंचिंग मशीन के हेल्प से हमें इस तरीके से होल्स क्रिएट कर लेने हैं। अगर आपके पास पंचिंग मशीन नहीं है तो आप थ्रेड और नीडल का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सारे ही प्लीट्स पे होल कर लिए हैं। अब हमें स्ट्रक्चर को ओपन करके इस तरीके से आपस में जोड़कर स्टेपल कर लेना है। अब मैंने ये एक थ्रेड लिया है और इसे सारे होल्स के थ्रू इस तरीके से पास करती जाऊंगी। फाइनली मैंने टॉप से इसके अंदर एक बल्ब होल्डर डाल दिया है और थ्रेड को टाइटली पुल करके टाई कर लिया है। एंड जस्ट लाइक दैट इन फ्यू मिनट्स सिर्फ पेपर पे कुछ फोल्ड्स देने से हमारा ये ब्यूटीफुल सा लैम्प शेड रेडी है। तो अगर आपको ये आइडियाज़ अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।